गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बाय रैंक मेथड. व्हाई वी से इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, बिकॉज द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशंस आर जीरो. और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज जीरोज हैं तो मैं ऑगमेंट मैट्रिक्स तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि ऑगमेंट मैट्रिक्स में तो ए बाई बी की बनती है और बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए हम कहते हैं ये होमोजीनियस इक्वेशन है. इन इक्वेशंस में हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए, दैट विल बी ए वन एंड ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू एंड ए थ्री बी थ्री सी थ्री. और हम साथ में रहेंगे इसके वेरिएबल्स x, दैट इज x y z एंड द मैट्रिक्स b, विच इज द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स यू कैन से. तो होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले रैंक ऑफ a निकालेंगे. इफ रैंक ऑफ a विल इक्वल्स टू n, as you know n is nothing just number of variables, then we say equations has unique solution. If rank of a is less than n, means again number of variables, then equation will have infinite solution. कुछ books में unique solution को trivial solution भी बोलता है. वो आपने books में पढ़ा होगा trivial solutions, and that will known as infinite or non-trivial solutions. मीन्स एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसका और उससे समझाएंगे कि किस तरह से हम रैंक निकालेंगे. वैसे तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया रैंक किस तरह से निकालनी है और किस तरह से सॉल्व करना है, फिर भी एक एग्जाम्पल के साथ आपको कंपेयरली बिल्कुल इजिली सॉल्व हो जाएगा. सो लेट सपोज द इक्वेशंस आर x plus 3y minus 2z is equals to 0. Second equation is 2x minus y plus 4z is equals to 0. And the third equation is x minus 11y plus 14z is equals to 0. हमें से सॉल्व करना है. एज हम देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज जो है मेरे पास सारी जीरो दी है इस क्लोज टू में, इट मींस इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन. सॉल्व करने के लिए मेरे पास मैट्रिक्स ए दैट इज 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 1 माइनस 11 एंड 14. अब हमें इसकी रैंक निकालनी है तो हमसे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे. हम लिखेंगे आर टू रोज टू ट्वाइस ऑफ आर आर टू माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन एंड आर थ्री रोज टू आर थ्री माइनस आर वन. सो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल वन थ्री माइनस टू दिस माइनस दिस दैट विल जीरो माइनस वन माइनस थ्री इंटू टू दैट विल बी गिव अस माइनस फॉर सेवन and that will be 8. The third one will be 0, then it is minus 14 and this will be 16. अगर मैं दोबारा इसमें एक और ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूं और मैं कहूँ आर टू आर थ्री रोज टू आर थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ आर टू, देन आई विल गेट ए मैट्रिक्स विल बिकम 1 3 माइनस 2 0 minus 7 8 and that will be 0 0 0.
इसलिए लास्ट रो पेपर दिख रही है जीरो है, देयरफॉर आई कैन से द रैंक ऑफ ए विल बी कितना हो जाएगा टू, विच इज लेस देन एन, एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल विच इज थ्री एक्स वाई जेड। अब क्योंकि मेरे पास रैंक ऑफ ए जो आई है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो आई विल से इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे लिखेंगे 1, 3, -2, 0, -7, 8, 0, 0, 0 with the variables x, y, z will equals to the constant values matrix V. Equation हमारे पास बनेगी x plus 3y minus 2z is equals to 0, first equation, minus 7x plus 7y, sorry, 7y plus 8z is equals to 0. यही दो equation बनेगी मेरे पास, क्योंकि infinite solutions हम कहते हैं let z is equals to k, put into I will get minus 7y plus 8k is equals to 0, then y is equals to minus, or you can say plus 8 by 7k. Put in 1. अब मेरे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, x plus जब y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें दैट विल बी 24 अपॉन 7k माइनस z की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस 10 by 7k, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाय, y इज इक्वल्स टू 8 by 7, एंड z इज इक्वल्स टू k। दिज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को निकालना। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये रैंक कैसे निकाली है, तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने जो वीडियोस डाले हैं उसमें बताया है कि रैंक निकालने के दो मेथड होते हैं, एटलियन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। आप उसको देखिए, एटलियन फॉर्म का यूज़ करके ही हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।